अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ चौहान जनाब अली। आज जो है 30 रमज़ान और आखिरी दिन है रमज़ान का, व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। मौसम को ज़रा मुलाहिज़ा करें, माशाल्लाह बिल्कुल बारिश वाला मौसम हुआ पड़ा है मक्कतुल मुकरमा के अंदर। अभी हम आए हुए थे यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, मार्केट के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर जाय नमाज़ें मौजूद हैं और ये भाई जो है जाय नमाज़ के ऊपर नाम लिख रहे हैं। मैं भी एक जाय नमाज़ ले लेता हूँ और उसके ऊपर नाम लिखवाता हूँ, क्या ख्याल है? ये वाली जाय नमाज सही है, वही गिर गई सारी। ये ग्रीन कलर जो है ना अच्छा लग रहा है मुझे, क्या बात है जी। वाह जी वाह, आइन बा दाल अब्द। देखिए जी माशाल्लाह नाम लिख लिया, अभी इसके ऊपर कलर किया जा रहा है ताकि जो ये नाम है ज़ाहिर हो जाए, वाजे हो जाए। ये है इसका फाइनल लुक, देख रहे हैं जी क्या ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने नाम लिखा है, अब्दुल लतीफ़। और जो नुक्ते जो हैं ये सिल्वर कलर है, बाकी गोल्डन कलर, क्या बात है जी ज़बरदस्त। सुबह के 11 बज रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं हजियों का रश, ख़ास करके इस मार्केट के अंदर ज़ायरीन और मुतमिन बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको यहाँ पर जाय नमाज़ें वगैरह अच्छी से अच्छी जाय नमाज़ें मिल जाएंगी मुनासिब रेट के अंदर। ये देखें जनाब, हरम के अंदर जो कूलर होते हैं ये उनके जो है ना डिज़ाइन इन्होंने रखी हुई है बिल्कुल उसी तरह से। ये इसके अंदर पानी डालें, ठीक है जी, बिल्कुल उन्होंने उसी तरह से कॉपी की है जो हरम के अंदर जो कप होते हैं उसी तरह से जो है जो आप पानी डाल सकते हैं। और अच्छा, पहले जो हरम के अंदर कूलर हुआ करते थे इस तरह का रंग हुआ करता था, आजकल जो ना ये कलर है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये चीज़, यानी घर के अंदर ड्राई फ्रूट की जो थाली होती है ना, ये नया कॉन्सेप्ट आया है झूले का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, ये वाला झूला। और ये देख रहे हैं भाई, इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं और जो है ना क्या कर सकते हैं खजूरें वगैरह। और ये जो है ना इसे घूमने वाला है, ये देख रहे हैं भाई, ये यानी घूमेगा। आजकल इन वाचों का बड़ा जो है ना ट्रेंड चल रहा है, ख़ास करके बच्चे जो है ना ये वाच ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अक्सर मैंने देखा ये जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं दुबई वाले ये तकसीम कर रहे होते हैं ये वाली वाच अल्ट्रा, ठीक है जी, ये 15 रियाल की है। हाँ सही है, अच्छी है। और जनाब अली ये देख रहे हैं, ये दुकान देख रहे हैं, आपको यहाँ पर घड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी, साला एक से एक घड़ी मिलेगी यहाँ पर आपको, क्या बात है यार। ये होलसेल मार्केट वाले रेट पे जो है घड़ियाँ दे रहे हैं, यानी 5 रियाल, 10 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रेट्स के अंदर आपको मिल जाएंगी। वेलकम बैक कहेंगे आपको। अभी हम जा रहे हैं हरम की तरफ इफ्तारी करने के लिए। ये वो स्टाफ है जो हम डेली लेकर जाया करते थे हरम, आज आखिरी दिन है और आज के बाद जो है दोबारा यहाँ पर नहीं आना होगा। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फिर रमज़ान के अंदर आएंगे, यहीं से जो है हरम जाया करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम शरीफ पहुँच चुके हैं और सुफरे के ऊपर भी बैठ चुके हैं। आज आखिरी रोज़ा रमज़ान का आखिरी दिन है, बाकी चंद मिनट्स बचे हैं, तकरीबन आधा घंटा बचा है इफ्तारी में और आज रमज़ान मुकम्मल होने जा रहा है। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल फरमाए और अगले साल हमें दोबारा जो है रमज़ान का महीना नसीब फरमाए। और जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं अल्लाह ताला आप लोगों को भी जो है रमज़ान का महीना नसीब फरमाए। मैं आप लोगों को एडवांस में ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो भी हमारे नाज़रीन हैं आप सब लोगों को ईद की मुबारकबाद हो। तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम सालिह अल आमाल, अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम नेक आमाल कबूल फरमाए। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से देख रहे हैं, आपकी कंट्री में आपके मुल्क में ईद का चांद नज़र आया है कि नहीं आया, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। मगरिब की अजान में तकरीबन 3-4 मिनट बाकी हैं, 3-4 मिनट के बाद जो है रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, रमज़ान का महीना ख़त्म होने में चंद मिनट और चंद सेकंड बाकी बचे हैं। Hey, yeah.
जो हमारे आखिरी रोज़े की इफ्तारी भी हो गई, अगला रमज़ान पता नहीं नसीब हो कि ना हो, आज आखिरी रोज़ा वो भी हरम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। आए जनाब, ये लोग भी आज जो है सफ़रा उठा रहे हैं, आखिरी सफ़रा रमज़ान का जा रहा है, फिर ये अगले साल आएंगे सफ़रे लगाएंगे, ये इनका आखिरी सफ़रा था आज का। इफ्तारी हो चुकी है, इफ्तारी के बाद का ये माहौल है, सफ़रे उठाए जा रहे हैं और ये रमज़ान के आखिरी सफ़रे थे और अगले साल दोबारा फिर ये लोग आएंगे यहाँ पर सफ़रा लगाएंगे। अल्लाह ताला इनकी मेहनतें कबूल फरमाए, आमीन या रब। ये माहौल देखें जी, रमज़ान मुकम्मल होने के बाद का ये माहौल है। अल्लाहु अकबर, क्या बात है जी। माशाल्लाह, क्लॉक टावर के पीछे जो है गोल्डन कलर नज़र आ रहा है, लाल बादल, क्या बात है जी, क्या बात है। जनाबी अली हमारे साथ मौजूद है, फहद भाई। फहद भाई पाकिस्तान क्वेटा से आए हुए हैं उमरा करने के लिए और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, कहते हैं आपकी वीडियोस मैंने पहले देखी हुई हैं। इन्होंने मुझे भी पहचाना, कहा कि भाई तुम तो यूट्यूबर हो हमें भी अपने व्लॉग के अंदर लो। ठीक है फहद भाई, आप ही हमारे व्लॉग के अंदर आ गए, ठीक है जी। आपके घर वाले देखेंगे, दोस्त देखेंगे, खुश होंगे। चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ना? किया हुआ है। ठीक है जी, किया हुआ है तो वीडियो आएगी, शेयर करना फिर। ठीक है जी, और क्लॉक टावर के किनारे के ऊपर लाइटिंग हो रही है ईद की वजह से। जब भी ईद होती है या रमज़ान शुरू होता है तो इस तरह की जो लाइटिंग की जाती है क्लॉक टावर के मीनारे के ऊपर, क्या ज़बरदस्त लाइटिंग की इन्होंने, बेहतरीन बेहतरीन। रमज़ान के जो हमारे इफ्तारी के जो व्लॉग्स थे, आज ये आखिरी व्लॉग हैं। आज हमने आखिरी इफ्तारी की हरम शरीफ के अंदर, अजीब ही माहौल था और यानी कि बिल्कुल अजीब कैफियत थी। एक एक मिनट जो है ना जा रहा था, लग रहा था कि बस अब रमज़ान ख़त्म हुआ, और जैसे अजान हुई है ना वो रौनक ही ख़त्म हो गई रमज़ान की, जो रमज़ान के दिनों में रौनक हुआ करती थी। मुझे ऐसे लगा, मुझे ऐसे महसूस हुआ। रमज़ान का महीना हमें ये सबक सिखा के जाता है, जिस तरह से मैं जा रहा हूँ तुम लोगों ने भी दुनिया को इस तरह से छोड़कर जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और हमारी रमज़ान की सीरीज़ जो है आपको पसंद आई होगी। इतने कोई ख़ास व्लॉग नहीं बनाए मैंने, लेकिन जितना हो सका, रोज़ों की हालत में काम भी था और व्लॉग वगैरह बनाना भी, जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से जो है कोशिश की कि अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊँ। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद जो है ना मज़ीद व्लॉग्स आएंगे, मज़ीद जो है ना कंटेंट आएगा, इंशाल्लाह ताला अच्छा अच्छी वीडियोस आएंगे, अच्छे व्लॉग्स आएंगे तारीखी मकामात के, ज़ियारत के, और कल जो है इंशाल्लाह ईद का व्लॉग भी आएगा। चलें जी, फिर इजाज़त दें, ईद मुबारक हो। तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम सालिहुल आमाल। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, आपके मुल्क में चांद नज़र आया है कि नहीं। पाकिस्तान के अंदर तो चांद नज़र आ गया है, और मैंने पेशन गोई की थी दो दिन पहले, मैंने कहा भी चांद नज़र आएगा कुछ भी कर लो, इस साल पाकिस्तानियों ने हमारे साथ ईद करनी है। मैंने शॉर्ट बनाकर चैनल पर डाला, लोगों ने कहा जो पेशन गोई आपने की थी वो बिल्कुल मुकम्मल हुई, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था। और कुछ चीज़ें मैं नहीं कहना चाहता, फिर बाद में लोग जो है ना कमेंट्स करेंगे कि लेकिन ये है कि एक रोज़ा जो है ना मिस करवाया गया है, वो आप ख़ुद तहकीक करें आपको पता चल जाएगा। चले जी, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, कितनी मरतबा मैं कह चुका हूँ, उम्मीद करता। चले जी, फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। ईद की खुशियाँ मनाते रहें।